प्रयागराज हिंसा में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि करीब 5000 अज्ञात और 70 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं पूरी हिंसा की योजना बनाने वाला बताया जा रहा है। उसके मोबाइल में कई अहम सबूत मिले हैं। उसकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है। फिलहाल पुलिस उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस को रेसी की पार्टी AIMIM के कुछ नेताओं पर भी शक है। उनकी भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। एसएसपी का कहना है कि हिंसा में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई होगी। अब तक की जांच पड़ताल से यही बात सामने आई है कि जावेद उर्फ पंप ने यही युवाओं को भड़काया और पुलिस पर पत्थरबाजी के लिए उकसाया था। जावेद की बेटी JNU में पढ़ती है और CAA NRC प्रदर्शन के दौरान भी उसने भड़काऊ भाषण दिया था। इसकी भी जांच चल रही है। अब तक आरोपियों के खिलाफ कुल 29 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। 10 जून को भारत बंद करने की चल रही थी प्लानिंग। व्हाट्सएप से कई मैसेज और मोबाइल डिलीट भी किए गए हैं। पुलिस डाटा रिकवरी की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।